955 पे जाएगी जो है बस आएगी, उसमें हम राइड करेंगे। तो ये व्हाट इज योर नेम? हैंडसम। हैंडसम ये कह रहा है हैंडसम। ये बड़ा फनी बंदा लग रहा है मुझे। ओह यू रियली हैंडसम, यू लुक लाइक कोरियन। बस में खड़ा हो गया हूँ, देखें टॉम क्रूज बन गया हूँ तुच्छी में। ये देखें गाइस, ये नीचे देखें जिस तरह पाकिस्तान में हमारे बेचते हैं लोग सामान वगैरह, ये देखें सेम स्टाइल है, वियतनामी स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आप सबको वेलकम है वियतनाम हो ची मिन्ह की तंग और ब्रिक गलियों से। तो ये गलियां जो है इसी तरह लग रही हैं जिस तरह से पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में गलियां होती हैं ना, छोटी छोटी तंग तंग, क्योंकि इधर फ्रेंच आए थे तो इनका स्ट्रक्चर वगैरह सेम फ्रेंच की तरह का है। तो गाइस आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस व्लॉग को आपने पूरा देखना और मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं वियतनाम के लिए। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा और आप मेरा व्लॉग देख के ही आप अंदाजा लगाएंगे कि यह वाकई क्वालिटी व्लॉग था। तो फिलहाल मेरा फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि मैं अभी सिटी टूर करने लगा हूँ। इधर डबल डेकर बस की बुकिंग की है मैंने जो कि सिटी को एक्सप्लोर कराएगी, तो उधर चलते हैं फिर उधर जाके तो देखते हैं और आज कुछ मिन का सिटी टूर करते हैं। अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं गाइस, सुबह के 9:30 और हल्की सी माइल्ड सी धूप लग रही है। फिलहाल वेदर बहुत ही प्यारा है, आज मेरे ख्याल से 26 या 27 होगा, 27। तो ये एक स्प्रिंग वेदर की फीलिंग दे रहा है। तो ये देखें एक वॉकिंग स्ट्रीट की वही गली है रात को मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। तो ठीक है गाइस चलते हैं ट्रैवल एजेंसी की तरफ, तो वहाँ से मैं बस लूँगा फिर हम आज वियतनाम को जो हो ची मिन्ह है वियतनाम हो ची मिन्ह का जो है डबल डेकर बस का विजिट करेंगे। गाइस मैं इस रोड पे आ गया हूँ, ये रोड जो है सारा जो है ना टूरिस्ट रिलेटेड स्ट्रीट है। इसमें आपको ट्रैवल एजेंसी वगैरह सारी तकरीबन मोस्टली ट्रैवल एजेंसियाँ जो कंबोडिया भी जाती हैं यहाँ से बैंकॉक कंबोडिया और सिटी टूर करवाती हैं। तो मैं डबल डेकर बस लेके सिटी टूर करने लगा हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी हम बस में बैठ के तो उसकी जो राइड लेंगे और सिटी को व्यू करेंगे। तो ये देखें मेरे सराउंडिंग में आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारा जो है टूरिस्ट इधर घूम रहा है। देखें गाइस, तो गाइस मैं आ गया था, ये ऑफिस है एक्चुअली और ये स्ट्रीट है, ये वॉकिंग स्ट्रीट के साथ ही है स्ट्रीट, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो मैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो इस ऑफिस से लेंगे टिकट और सिटी टूर करेंगे। 1 आवर के ये ले रहे हैं 1,50,000 डॉन, तो दूसरों की बजाय इनकी प्राइस थोड़ी सी सस्ती है। तो मैंने इनको कहा कि मुझे 1 आवर की राइड दे और 9:55 पे जाएगी जो है बस आएगी, उसमें हम राइड करेंगे। तो ये व्हाट इज योर नेम? हैंडसम। ये कह रहा है हैंडसम। ये बड़ा फनी बंदा लग रहा है मुझे। ओह यू रियली हैंडसम, यू लुक लाइक कोरियन। कोरियन? या अन्नमस्ते, आई एम फ्रॉम कोरिया। बाय कोरिया? या आई एम कोरिया बट आई एम ओरिजिनली पाकिस्तान। या नाइस टू मीट यू। तो ये बड़े अच्छे लोग हैं वियतनामीज भी, बड़े फ्रेंडली हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इनका ऑफिस है
अगर आप इधर आए वियतनाम में और आपने अगर सिटी टूर करना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों से इनके साथ रब्ता करके तो आ सकते हैं। तो अभी गाइस मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो वहाँ से देखते हैं अगर वहाँ पे नाश्ता मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर आप कर लेंगे, क्योंकि इसका टाइम जो था 9:55 पे मिल रहा है और उसके बाद फिर 2-3 घंटे का गैप आ रहा था, तो मैंने कहा पहले ये टूर कराते हैं उसके बाद जो है हम जाएंगे। और जो मैंने आपको सरप्राइज देने हैं वो अभी नहीं बताऊँगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त और इंजॉयफुल वीला होने वाला है, तो कीप इन टच रहेंगे गाइस और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें गाइस वो बिल बना रहा है और अभी इसको पे करेंगे। तो इधर जो है बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली वियतनाम गवर्नमेंट ने इनको टूरिज्म में डाल दिया इस कंट्री को भी, जैसे कि थाईलैंड है ना, तो ये सेम है थाईलैंड और ओके हाँ ओके। तो मैंने इसको 5 मिलियन दिए हैं तो ये बकाया दे देगा। तो ये करेंसी देखें मेरे पास, अभी मैंने 1 मिलियन निकाला था तो अभी भी पैसे बचे हैं, इतना सस्ता मुल्क है ये ना, पैसे ज़्यादा नहीं लगते। कार्ड का भी यूज़ कर रहा हूँ, ये कार्ड है मेरा, जैसे कि आपको पता है ये इस कार्ड से मैंने बैंक से पैसे निकलवाए थे 1 मिलियन डाउन। तो ये कोरियन बैंक का कार्ड है और इसकी जो है ट्रांजैक्शन वगैरह की फ़ीस नहीं है। तो आप भी अगर वियतनाम आए तो लाजमी तौर पे बैंक कार्ड यूज़ करें, क्योंकि डॉलर ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग वो फीस लग जाती है। तो ये देखें गाइस ये है टिकट, ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं तो सिटी टूर 1 आवर लिखा हुआ है इस पे ना टिकट पे। तो ये देखें टूरिस्ट आ रहे हैं इधर आके, तो लोग करते हैं इनसे नेगोशिएट करके फिर जाते हैं। लेकिन गाइस ये भी कहीं घूमने जाने लगे। So, if I go to Cambodia, how much ticket? Cambodia. Yeah, two way. 400? 400. Dong. Is it return ticket two way? Okay. Go back 400. तो ये 4 लाख की दे रहा है, काफ़ी चीप प्राइस दे रहा है, क्योंकि मैंने रात को पूछा था किसी और जगह से तो वो 5 मिलियन मांग रहे थे, 500,000 सॉरी वो 5 लाख मांग रहे थे, तो ये कुछ चीप लग रहा है मुझे गाइज। तो ठीक है गाइज अभी बस का वेट कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। A few moments later. तो गाइज ये देखें ये बस जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टॉप कर रही है, इसके स्टॉप बने हुए हैं देखें, बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और ये मेन सिटी सेंटर है एक्चुअली। देखें गाइस बड़ा ही मजा आ रहा है गाइस, बहुत जबरदस्त वेदर भी बड़ा प्यारा है और सही जो टूरिस्ट की जो फीलिंग आ रही है इस टाइम पे। ये देखें गाइस इधर टोटली आपको फॉरेनर्स ही और स्पेशली जो है वाइट पीपल्स नजर आएंगे, तो ये इन लोगों के लिए जन्नत है एक्चुअली। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रीज़न ये है कि ये बहुत चीप कंट्री है और वेदर बड़ा अच्छा है इसका। ये गर्म मुल्कों में आता है लेकिन इसका वेदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और फिलीपींस से मुझे अच्छा वेदर लग रहा है इसका, और बैंकॉक से थोड़ा सा मज़ीद अच्छा है, बैंकॉक में भी इससे ज़्यादा हीट होती है।
I'll change the bus. Okay. वो कह रहे हैं कि चेंज बस कर ले, इसमें कोई इशू होगा तो हम दूसरी बस में जाने लगे हैं, वो जो सामने खड़ी है। ये देखें गाइस, ये नीचे देखें, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे बेचते हैं लोग सामान वगैरह, ये देखें सेम स्टाइल है, वियतनामी स्टाइल। इस वेटिंग फ्रांस का बादशाह, ये देखें गाइस, हर जगह आपको फॉरेनर्स नजर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है वियतनाम। ये इसका अलग ही अंदाज है। देखें बड़े बड़े ब्रांड आपको इधर नजर आएंगे, होटल्स ब्रांड्स। ओमेगा वॉचेस, वियतनाम हाउस रेस्टोरेंट। तो ये देखें बहुत ही जबरदस्त एंजॉय हो रहा है, उम्मीद है आपको भी मजा आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब क्या करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखें गाइस, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है इधर इस कंट्री में, लाइफ्स गुड। ये बिल्डिंग जो है सनवा के नाम से है मेरे ख्याल से। ये देखें मोटरसाइकिल्स हर जगह आपको नजर आएंगी, मोटरसाइकिल्स। तो अभी ठहर के मोटरसाइकिल की राइड लूंगा। तो ये मेरा सरप्राइज नंबर 2 था, मैंने आपको अर्लियर बता दिया है, तो मैंने बताना तो नहीं था लेकिन मैंने कहा आपको बता ही दूं। तो इसके अलावा भी सरप्राइज काफी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना आपने, नहीं करना अगर आप देखना चाहते हैं सरप्राइजेस। तो गाइस वो सामने जो है वो एंथन मार्केट आ गई है दोबारा। ये देखें गाइस, इसके बिल्कुल सामने बेंथन मार्केट आ गई है, आप देख सकते हैं कि ये भी सिटी टूर की बस है। तो सरप्राइज नंबर 2 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मोटर बाइक टूर इन हो ची मिन्ह। और सरप्राइज नंबर 3 जो है उसके लिए आप वेट करें मेरा थोड़ी देर तक, वो भी बताऊंगा। और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी अगली जो वर्ल्ड सीरीज की वीडियोस हैं वो देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो मैं आपको जिस तरह लोकल ट्रैवल करते हैं उस तरह से दूसरों की तरह हट के कराता हूँ। देखें गाइस, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है एक्चुअली वियतनाम की। ये देखें आपको टूरिस्ट हर जगह नजर आएंगे, ये देखें गाइस। और ये वियतनाम का झंडा है, ये रेक्स होटल। और ये भी जो है इनका कोई बादशाह वगैरह होगा, फेमस प्लेस है। धूप बहुत लग रही है तो मैं सनग्लास पहन लेता हूँ, अभी आंखों में धूप, अभी थोड़ी सी ना पहले चिल था तो अब थोड़ा सा ना क्रिस्प हो रहा है वेदर। तो गाइस अभी थोड़ा सा वेदर गर्म हो गया पहले की नस्बत, मेरा ख्याल था कि पहले क्लाउड्स थे तो इसलिए अब क्लाउड्स हटे हैं, तो अभी जो है ना धूप डूब रही है। एनीवे एक घंटे की बात है, सरवाइव करना पड़ेगा। और जो ऊपर से व्यू आ रहा है एक्चुअली वो बड़ा अच्छा है, मैंने कहा ऊपर बैठे रहते हैं, अभी काफ़ी लोग नीचे चले गए हैं बस में से।
Enjoy, guys. Ho Chi Minh. City Center. बहुत ही मजेदार काम है। कोई ऊपर से नीचे जा रहा है, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है गाइस, सच्ची बात है। ये देखें, ये ग्रैब के राइडर खड़े हैं, इधर ग्रैब बहुत ज्यादा चलती है। इस साइड पे सी आ गया, ये देखें गाइस, वो क्रूज खड़ा है सामने। मैं बस में खड़ा हो गया हूँ, देखे टॉम क्रूज बन गया हूँ। अब व्यू कैसा आ रहा है बताएं, कमेंट में लाजमी बताएं व्यू कैसा है, ये पता चले आप लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वंडरफुल बात, ऊंची में अभी हवा बहुत तेज है और शेक हो रहा है कैमरा भी। तो कैसा लगा है आपको जो रिवर का व्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा जो मैंने खड़े होके फिल्मिंग किया था आपके लिए, तो लाजमी बताएं कमेंट में और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। आप ये जो देख रहे हैं ये हो ची मिन्ह सिटी टूर बस है और ये सिटी के अराउंड में हमें टूर करा रही है और ये जो सब हजरात हैं मेरे साथ आए हुए हैं, हम लोग घूम रहे हैं। ये इनका कोई पुलिस स्टेशन है हो ची मिन्ह में, बहुत बड़ा है पुलिस स्टेशन भैया, कमाल कर दिया इन्होंने तो। वैसे स्काईस्केपर्स कम है इनके, इतने ज्यादा नहीं है अनलाइक चाइना और फिलीपींस, तो स्काई स्क्रेपर बहुत ज्यादा है एक्चुअली। तो ये सेम हमारे पाकिस्तान की तरह ही है, चीता चीता है स्काई स्क्रेपर, बड़ी बिल्डिंग ये ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाते। और मैंने जो वो चुंगिंग में देखी थी बिल्डिंग, उस तरह की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग है उधर, जैसा कि आप वो चाइना सीरीज में देख सकते हैं। वो सामने लुटेरिया है, ये देखें गाइस मोटरसाइकिल्स बहुत ज्यादा है इधर, मोटरसाइकिल आम है, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अभी मैं खड़ा हो गया था तो यकीन करें कि बहुत ही मजा आ रहा है को एक्सप्लोर करने का, अपने मजा। तो ये देखें गाइस इनका जो है ये हो ची मिन्ह का स्काई स्क्रैपर लैंडमार्क है हो ची मिन्ह का, और इस बिल्डिंग का नाम मुझे नहीं पता, तो अगर किसी को पता है जो हो ची मिन्ह से होके आया हो तो मुझे प्लीज बताएं कमेंट में।
अब ये देखें ये लोग नीचे जा रहे हैं, गर्मी लग रही है इनको, ये नीचे जाने लगे हैं, तो कोई नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से कोई नीचे जा रहा है। ये बिल्डिंग पता नहीं कौन सी है। तो ये हो ची मिन्ह का म्यूजियम है एक्चुअली इस साइड पे जो है। तो अभी ये ब्रिज के ऊपर से चढ़ेगी बस। वाह वंडरफुल व्यू गाइस, ये देखें गाइस बहुत ही जबरदस्त। ये तो आने वाली जगह है, बहुत ही प्यारा अपनाया है भाई इन लोगों ने अपने मुल्क को। ये देखें ये बोट्स वगैरह खड़ी हैं इधर और क्रूज भी खड़े हैं। तो वो देखें वो फेरीज वगैरह भी हैं उधर उस साइड पे। और ये देखें कितना क्लीन पार्क बनाया हुआ है इन्होंने। तो भाई देखने से तल्लक रखता है ये हो ची मिन्ह सिटी जो है, और ये सबसे बड़ा सिटी है एक्चुअली वियतनाम का, पहले नंबर पे आता है। ये फेरी स्टेशन है एक्चुअली गाइस, पीट फेरी, इधर आप फेरी ले सकते हैं। ये भी गाइस लिबर्टी स्टैचू लग रहा है कोई। ये देखें गाइस ट्रैफिक इन हो ची मिन्ह। सेगन टावर, गाइस इधर एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है वो इनके साइन बोर्ड है उनकी इंग्लिश नहीं लिखी हुई उन्होंने, सिर्फ इनकी वियतनामी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इनको। और ये कोई वेडिंग हॉल लग रहा है मुझे, देखें ब्यूटीफुल लेडीज इनसाइड।